हमारे मध्य श्रीमान राजेंद्र तिवारी कार्यकारी अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद जम्मू कश्मीर लद्दाख आएंगे। जी मैं सबसे पहले तो शैतान दीपक जी और जितने भी लोग दो दिनों में हत्या हुई उनके परिवार से कहना चाहूंगा कि हम सब पूरा देश जम्मू कश्मीर जो है उनके साथ है और उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दूंगी। आज जिस तरह से जो है पूरा देश खून के आंसू रो रहा है, मानवता को जिस तरह की चोट पहुँचाई गई है, निखाते एक स्कूल टीचर, एक गोलगप्पे वाला, इन लोगों को समाज के लिए काम करते हैं, स्कूल टीचर जो एक बच्चों को शिक्षा ही दे रहा था ना, उसकी जिस तरह से हत्या की, मैं इसकी निंदा करती हूँ। और मैं पाकिस्तान को कहना चाहूंगी, इमरान खान को कहना चाहूंगी, अगर कश्मीर में कोई और घटना होती है, अगर गिलानी की मौत होती है तो ये लोग शोक करते हैं, लेकिन हमारे कश्मीर में जब निर्मम जो हत्याएं आम नागरिकों की हत्याएं करने जा होती है तो इनका मुंह नहीं खुलता, शर्म आनी चाहिए इनको। हम सब लोग जो है आतंकवाद के खिलाफ है, हम सब लोग इनके साथ है। आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद नहीं चलेगा। आज हमारे देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी, आज वो हिंदुस्तान नहीं है पुराने वाला शेख अब्दुल्ला के टाइम का, इनको कड़ा जवाब मिलेगा और इनको इसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। पीपल फॉर्म्स की तरफ रखा गया, इसमें सारे शहर के जो बौद्धिक लोग हैं, संगठनों के जो अध्यक्ष हैं, सब सम्मिलित हुए हैं। और जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर किलिंग हो रही है, उनको ये हम पैगाम दे रहे हैं। वहाँ के खासकर सिविल सोसाइटी क्या कर रही है वहाँ पे, जब वहाँ पे हिंदू और हिंदुस्तानियों की वहाँ पे कत्लेआम हो रहा है, वहाँ की सोशल सोसाइटी क्यों चुप बैठी है, वहाँ पे सिविल सोसाइटी क्यों चुप बैठी है, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वाले जो उग्रवादियों के मरने पे उनके घरों पे चिल्लाते हैं, आज क्यों चुप बैठी है वहाँ पे, वहाँ के सो कॉल्ड कश्मीरी लीडर घर के अंदर से बयान देना जानते सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे। और मैं बता दूं, जिस प्रकार आज वहाँ किलिंग का दौर चल रहा है, इसकी रिएक्शन कहीं पूरे देश में ना आ जाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और हम लोग सब इकट्ठे होकर इसके खिलाफ जंग लड़ेंगे। हम लोग वहाँ की सोई हुई सिविल सोसाइटी को जगाने का काम करेंगे। इतनी गंदी मानसिकता के वो लोग हो सकते हैं, उनके जीवन के अंदर शिक्षा का कोई मायना नहीं है, उनके जीवन के अंदर देश प्रेम अपने समाज के उत्थान के लिए कोई विषय नहीं है, जिनका एक ही मात्र एक ही चिंतन है आतंक फैलाना, और वो आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं। उनके मनसूबों को कुचलने का काम सरकार जल्द करे, उनको चिन्हित करके जगह जगह से खदेड़ने का, मारने का काम सरकार को जल्द से जल्द करना चाहिए। उस सूरज के बेटे की राजधानी जो कश्मीर कहा जाता है, आज फिर वो आतंक के गोलों पर, आतंक के स्थान पर फिर विकसित हो रही है। हम आपको जागरूक होना पड़ेगा अपनी संस्कृति के जिंदा रखने के लिए, अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए और अपने देश की माटी के लिए, अपने देश की जमीन के लिए। वो तो चाहते हैं कि यहाँ पर हिंदू सिख कोई भी ना रहे, हमारे लोग हम ही रहे। मगर मैं आपको बता दूं, कश्मीर की भूमि भगवान शंकर की भूमि है और वहां पर वही रहने का उसको अधिकार है।
जो शिव शक्ति की खोज में लगा हुआ है, जो शिव शक्ति की खोज में नहीं लगा है, यानी साधना के कर्म में नहीं लगा है, उसे कश्मीर की भूमि पे रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। इसीलिए हमें, मैं इस जो भी कर्म इन्होंने किया है, इन आतंकवादी हमलों की, इस मृत्यु की मैं भर्त्सना करता हूँ और कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। सरकार से अपील करता हूँ और अपनी गवर्नमेंट से भी कहता हूँ कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कुछ कार्य होने चाहिए और ऐसे लोगों को एक क्रमबद्ध करके घरों से खदेड़ करके मारना चाहिए और मारने पे ही शांति प्राप्त होती है। अगर युद्ध लड़ने से शांति स्थापित होती है तो वो भी हमारे पास उदाहरण है। युद्ध लड़के ही महाभारत का, इस भारत को सभ्य बनाने का काम किया है। सरकार को जो पंजाब में जैसे आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया था, ऐसे कश्मीर के अंदर जहां लगता है ऐसा प्रयास होता है। हमें कहना चाहिए ऐसे आए हुए सभी उपस्थित सज्जन माताएं बहने, जिस नवरात्र का हम इंतजार करते हैं पूरा साल भर, उसकी शुरुआत में ऐसी खबरें आएगी कि एक कश्मीरी हिंदू केमिस्ट अपनी दुकान पर बैठ करके वहाँ पे मुस्लिम भाइयों का इलाज के लिए दवाइयाँ दे रहा होगा और उसको गोली मार दी जाएगी, या एक हमारी सिख शिक्षिका वहाँ स्कूल में बच्चों को जब पढ़ा रही होगी तो उसको आकर के चिन्हित करके कि आप हिंदू या सिख हो इस करके आपको गोली मार दी जाएगी, या जम्मू से गए हुए हमारे दीपक चंद जो कि वहाँ के बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे थे क्योंकि आप हिंदू हो इस करके आपको 15 में से दोनों को अलग करके हम गोली मार देते हैं। ऐसा घृणित कार्य जो कि श्रीनगर में हुआ है, इसकी मिसाल पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलती। आज ये समय आ गया है कि सरकार अपना नीति निर्धारण में प्राथमिकता तय करे। और यहाँ पर जो मेरे साथी ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने भूतकाल में भी सरकारें चलाई हैं और भविष्य की सरकारों का दिशा निर्धारण करने वाले हैं, मेरी उनसे यह अपील है कि ये डेवलपमेंट और सारे काम तो होते रहेंगे, लेकिन ये डेवलपमेंट तब जायज है जबकि राष्ट्रवादी लोगों का उस जगह पर रहना जो है वो सुरक्षित निश्चित हो सके। तो आज मैं आप सबके माध्यम से आदरणीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी और भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को यह अपील करना चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष के टैक्सपेयर का पैसा जो जम्मू कश्मीर और स्पेशली कश्मीर में वहाँ के डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जा रहा है, पहले वहाँ के सुरक्षा संबंधी जो सारे हालात हैं उनको ठीक किया जाए और जो भी हमारे हिंदू सिख भाई वहाँ पर जाकर के काम काज कर रहे हैं और जो वापस वहाँ पर पुनर्स्थापित हो रहे हैं उनकी सुरक्षा निश्चित की जाए। दूसरी बात, मैं जो कश्मीर के तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, जो मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं, जो अफजल गुरु की फांसी के समय तो आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हैं, आज उनको पूछना चाहता हूँ कि वो अपना व्यापार तो जाकर के खुद मुंबई और दिल्ली और कलकत्ता हर जगह करना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई गोल गप्पे वाला भी वहाँ ईदगाह में या श्रीनगर में जाके अपनी रेहड़ी लगाता है तो ये उसको गोली मारते हैं। इनको शर्म नहीं आती और इनको ये भी शर्म नहीं आती कि ये स्वयं तो पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व में जाकर के अपने काम का फैलाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर इनको जरा सी क्रोध भी आए तो ये आसमान सिर पे उठा लेते हैं और यहाँ पर ये टारगेट